हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल का यानी कि सेकेंड टर्म ऑफ सीएम का एक साल पूरा हो गया। तमाम उन्होंने घोषणाएं की, उसको लेकर हम स्पेशल वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन और भी पॉइंट जो उस वीडियो में रह गए थे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो मेरे साथ अब तक बने रहिएगा, चलिए शुरू करते हैं। तो हर व्यक्ति को काम देना है हमारी नीति, सीएम पुष्कर सिंह धामी। तो आप देख सकते हैं एक साल का कार्यकाल पूरा मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से साझा की सरकार की जो प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हर व्यक्ति को काम देना प्रदेश सरकार की नीति और उनका जो है मेन उद्देश्य है। यह बात पुष्कर सिंह धामी ने सरकार के एक साल के कार्यकाल पूर्ण होने पर कही, और उसके अलावा उन्होंने तमाम और भी यहां पर घोषणाएं की जो युवाओं के लिए खासकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। लाइक जिस तरह से उन्होंने स्टार्टअप, पर्यटन, ऊर्जा के क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई हैं जो युवाओं को जोड़कर उन्हें स्वरोजगार के लिए जोड़ा जाएगा, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने और भी यहां पर बड़ी घोषणाएं की, आप देख सकते हैं। धामी ने छात्रों, बेरोजगारों के लिए की कई घोषणा, एक साल पूरा होने पर संकल्प लिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं जो बड़ी और मुख्य घोषणा है वो है प्रतियोगी परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को परीक्षा देने के लिए आवाजाही के लिए किराए में 50% की छूट दी जाएगी। उसके अलावा कक्षा 6 से ही कंप्यूटर और आईटी की पढ़ाई होगी। लेकिन सवाल यही उठता है कि जब कंप्यूटर टीचर ही नहीं होंगे, कंप्यूटर ही नहीं होंगे, तो किस तरह से ये सरकार जो है आगे बढ़ेगी, ये भी एक बड़ा सवाल उठता है उत्तराखंड में, ठीक है। उसके अलावा छात्रों के लिए यहाँ पर सर जो है लेबोरेटरीज होंगे तमाम, और भी यहाँ पर आप देख सकते हैं संचार और ऊर्जा, और उसके अलावा साइंस टेक्नोलॉजी सेवा आयोजन कार्यालय में रोजगार से संबंधित तमाम और चीज़ों को यहाँ पर जो है प्राथमिकताएं दी गई हैं। लेकिन सवाल यही उठता है कि ये घोषणाएं कब हकीकत में बदलेंगी, क्योंकि मैंने ताज़ा एग्जांपल आपको दे दिया। जैसे कि उन्होंने कहा कि कक्षा 6 से ही कंप्यूटर की जो है पढ़ाई होगी, जब कंप्यूटर टीचर ही नहीं है, कंप्यूटर ही नहीं है, तो किस तरह से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा, किस तरह से सारी चीज़ें होंगी, ये एक बड़ा सवाल उठता है। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स कोचिंग में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।